नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। अहले सुबह से ही अब तक 9 घंटे हो चुके हैं और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के हुड़हुड़ स्थित आवास के साथ साथ उनके और कई दर्जन भर रिश्तेदारों के घर, उनके और भी दोनों आवास के पास लगातार ईडी की कार्रवाई जो है जारी है। और अहले सुबह से ही आपको बता दूं कि आज चूंकि मंगलवार था, यहाँ रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ लोग भी आया जाया करते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के। और चूंकि आज ईडी की दबिश पड़ी है, 9 घंटे लगातार हो चुके हैं, कार्रवाई अभी भी जारी है। और इसी को लेकर के कुछ पत्रकार बंधु भी हमारे साथ हैं जो लगातार 8-9 घंटे से यहीं पे अपना बसेरा जो है बसाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ सोनू केसरी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कितने देर से हैं आप लोग यहाँ? तकरीबन 7 बजे से यहाँ पर हैं और 7 बजे के आसपास में छापेमारी पड़ी है। तो इनके एक मामा हैं, चाचा हैं, भाई हैं, 3 जगहों पर हम गए थे और तीनों जगहों पर भी छापेमारी जारी है। और फिलहाल यहाँ छापेमारी किया जा रहा था, तो इस छापेमारी में कहा जा रहा है कि 9 ठिकानों पर, तो और ठिकानों पर तो हम नहीं जा पाए हैं। तो सुबोध जी हमारे साथ हैं, कितने घंटे से हैं आप यहाँ पे? देखिए, अब तक तो बोला जा सकता है कि लगभग 6 घंटे ये ईडी की बड़ी कार्रवाई की बीत रही है, लेकिन अभी तक कुछ साक्ष्य, कुछ दस्तावेज जो कहते हैं कागज़ का पन्ना भी अभी तक ईडी के हाथ नहीं लगी है। तो बदले की दबिश की राजनीति चल रही है और ईडी की बड़ी कार्रवाई देख ही रहे हैं, 1 दर्जन ठिकानों पर चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि लोकसभा के मद्देनज़र इस कार्रवाई को लोग देख रहे हैं, इस पर आक्रोश भी जाहिर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि या लोकसभा चुनाव जो कैंडिडेट के तौर पर अंबा प्रसाद को देखा जा रहा था और प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेट भी हो रही थी, तो इसे रोकने की एक बड़ी साजिश है अंबा के बढ़ते कदम। जिस तरह से कांग्रेस का एक नारा है, जब जब मोदी डरता है तब तब ईडी आगे करता है, ये किन का कहना है? ये पूरे जो वाकया है वो किन के कहने से? कांग्रेस का कहना है और पूरे देश में ये जुमला चल चुका है। अच्छा, जो निर्मला जी हैं वो भी यहाँ पे आई हुई थी, सुनने में उनको अंदर पहले नहीं जाने दिया जा रहा था, क्या उनका कहना है अपनी बेटी अंबा प्रसाद के बारे में? देखिए, ईडी की कार्रवाई होती है या कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो पूरे उस क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया जाता है, तो ना ही किसी को अंदर से बाहर जाने के परमिशन होता है, ना ही बाहर से किसी को अंदर, चाहे वो उनके माता पिता हो। आप कई बार ईडी की रेड अगर देखे होंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन पूर्व विधायक थी तो उनका आंसू तो छलक ही रहा था, जो परिवार का एक दर्द होता है वो छलकता है। लेकिन वो भी बोल रही थी कि यह बदले की दबिश की राजनीति है और विपक्षियों पर इसका प्रहार हो रहा है, सत्ता पक्ष बिल्कुल ही स्वच्छ और साफ सुथरा चल रहा है, जबकि दागदार उनकी छवि भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुबोध जी। आपको बता दूं कि जब अंबा प्रसाद बड़कागांव विधायिका की माँ यहाँ हुड़हुड़ स्थित आवास में आई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं चाहती हूँ कि अब अंबा प्रसाद राजनीति ना करें, ये राजनीति हमारे पूरे घर को 10 वर्षों से लेकर डूब गया। यहाँ कुछ और पत्रकार भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, क्या लगता है भैया, क्या चल रहा है अभी तक, अपडेट क्या आया है? अपडेट तो यही है कि ईडी की छापेमारी चल रही है, कार्रवाई लगातार जारी है। यहाँ हजारीबाग अगर आप कहेंगे तो पहला तो यहाँ पे आवास, दूसरा केरीडारी में एक पता चल रहा है, तीसरा कटकम दाग में है, आवास के सामने भी एक यहाँ पे भी है राणा जी, वहाँ पे चल रहा है, एक दांगी है बिंदु दांगी, वहाँ पे भी चल रहा है, कार्रवाई तो चल ही रही है। क्या कहना है इन लोगों का, इनके परिवारजनों का? बातचीत तो हुई होगी या जो आम लोगों की भीड़ सुबह यहाँ लगभग 100-150 की थी, चूंकि मंगलवार का दिन है, जो समस्या लेकर के अंबा प्रसाद के पास आते हैं आसपास के लोग, ग्रामीण इलाके के लोग, क्या कहना है, उनसे बातचीत हुई आपकी? कुछ बात हुई थी हमारी, वैसे मंगलवार आज था और पता चला कि मंगलवार को विधायक जी जो है वो जनता दरबार उनका लगता है और उनके क्षेत्र से लोग आते हैं, उनकी समस्याएं को वो सुनती हैं। और आज वो जब सुबह आई यहाँ पे और अगर विधायक से उनकी मुलाकात नहीं होती है तब उनको पता चलता है कि नहीं, ये कारण हुआ है। कई लोग से बात भी हमारी हुई, उन्होंने कहा कि ये सब जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पे, खास करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि ये सब उन्हीं की वो है। और चूंकि विधायक को शायद कन्फर्म कर रहा था कि भाई इनको लोकसभा का टिकट हजारीबाग से दिया जा रहा है, तो इसका भी एक वो हो सकता है। कई तरह की बातें आ रही थी, वैसे उनकी माता रानी थी पूर्व विधायक निर्मला देवी, उन्होंने भी कहा कि नहीं, राजनीति में हमको कोई वो नहीं है, काफ़ी परेशानी रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा परिवार जो है इसी वजह से बिखर भी गया है और वो अपनी बच्ची को कहती हैं कि पॉलिटिक्स में मत रहो, सूखी रोटी खाओ, कई सारे बातें कहा उन्होंने। देखिए क्या भावनात्मक भी कहीं ना कहीं माहौल, बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग थे जिनको लग रहा था कि ये जो है वो क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिकली मोटेड है ये,
और ईडी जो है वो इसी समय आखिर क्यों आती है जब कहीं पे उनके उनके कहानुसार कि भाई बीजेपी वाले हैं तो उनका भी तो कहीं कुछ होगा, उनके पास में क्यों नहीं आती ईडी, विपक्षी के पास में क्यों आती है? तो कई तरह से बातें हो रही है, हम लोग भी काफ़ी सारे पत्रकार हैं, चर्चा कर रहे हैं, यही सब चल रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो कई तरह की जो बातें हैं वो लगातार की जा रही हैं। यहाँ फलक शमीम हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि सुबह से ही जब से ईडी की पूरी कार्रवाई चल रही है, क्या लगता है फलक जी ये पूरा माजरा और उस वक्त का से लेके अभी तक का माहौल क्या कुछ रहा? देखिए सुबह से जो कार्रवाई चल रही है वो अभी सिर्फ बंद खाने से ही खबरें निकल के आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, या फिर जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है वो एक विश्लेषण के तौर पर निकाल करके आ रहे हैं, कई लोग इसे राजनीतिक मामले से भी देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग कार्रवाई पर बात करेंगे। कार्रवाई सुबह जो 6 बजे से चल रही है उस पर कोई इनपुट नहीं आया है, क्योंकि अक्सर हम लोग इससे पहले भी ईडी के कई कार्रवाई कवर किए हैं, साथ में कई कार्रवाई को देखे भी है, झारखंड भर में ईडी की कार्रवाई जो देखे, अब तक इनपुट कुछ निकल कर आना था, इनपुट अभी तक निकल कर नहीं आया है। 4 बजने वाला है, करीबन मान ले तो 9 घंटे से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन इनपुट निकल कर नहीं, और जब तक इनपुट निकल कर नहीं आया है कुछ भी कहना इसमें देखिए जल्दबाजी होगा। हालांकि हम लोग करीबन 11:30 बजे की अगर बात की जाए तो विधायक अम्बा प्रसाद की माँ पूर्व बड़कागांव विधायक जो निर्मला देवी थी वो पहुँची थी और काफ़ी मायूस दिख रही थी, और उनका एक ही चीज़ कहना था कि बेटी राजनीतिक षड्यंत्र की शिकार हो गई हैं, और साफ लफ्ज़ों में वो कह रही थी कि राजनीति में आने के लिए वो मना भी कर रही हैं, बेटी को आगे जो कंटिन्यू करने के लिए मना भी कर रही हैं। हालाँकि उनके जो समर्थक यहाँ पहुँचे थे, जो क्षेत्र के लोग पहुँचे थे अपनी फरियाद लेकर के, या फिर उनके जो भी कार्यकर्ता और भी आसपास के लोग थे, वो उनका कहना था कि कांग्रेस की ओर से उनको सांसदीय टिकट मिलने वाला था। हालांकि इसकी पुष्टि देखिए हम लोग अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अब पार्टी के आला कमान की बात है, या फिर जब तक वहां से नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक हम लोग को कुछ भी कह पाना इसमें जल्दबाजी ही होगा। लेकिन लोगों का जो कहना था कि शायद, क्योंकि देखिए वो उनके क्षेत्रवासी थे, उनके कार्यकर्ता थे, उनके समर्थक थे, शायद उनको कुछ डीपली पता हो, क्योंकि अभी 2-3 दिन पूर्व यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ, पास में ही जो एक बैंक्वेट हॉल था वहाँ पर कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें कांग्रेस प्रभारी मीर अहमद भी पहुँचे हुए थे, कहा जा सकता है उस लहजे से भी, लेकिन हम लोग अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकते। तो वही लोगों का कहना था कि उन्हें हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से जो है वो टिकट मिलने की बातें भी आ रही थी, इस वजह से भी कह रहे हैं कि लोग राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन इस पर एजेंसी स्वतंत्र है जांच करने के लिए, कुछ एजेंसी को इनपुट ही मिले होंगे, लेकिन अब जांच में क्या कुछ निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है, इसलिए भी टिकी हुई हैं कि अम्बा प्रसाद झारखंड में एक तेज़ी से उभरती हुई विधायक थी, बहुत चर्चा में रहने वाली विधायक थी, क्षेत्र में भी उनका जो भ्रमण था चाहे विधानसभा में के पटल पर बहुत सारे सवाल जो है वो मुखरता के साथ उठाती थी, और साथ में वो लोकप्रिय विधायक थी, ऐसे में सबकी निगाहें भी टिकी हुई है। हम लोग को भी इंतजार है कि इसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, तभी एक बार हम लोग इस पर कुछ कह पाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया फलक। कुणाल सिंह हमारे साथ हैं, दैनिक खबर के फाउंडर। सुबह से ही आप यहाँ पर हैं, क्या लग रहा है यहाँ ग्रामीणों को भी देखा आपने कि 100-150 की भीड़ में लगभग सुबह में ग्रामीण थे यहाँ पे, आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है अम्बा प्रसाद को लेकर के? देखिए सबसे पहले तो ये बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है उसको लेकर कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पावर बैंक लेकर हम बैठे हैं और इसको चार्ज कर रहे हैं कि ये 6 बजे तक चलेगा, 8 बजे तक चलेगा, या और देर रात्रि तक चलेगी, कहा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी लोकसभा चुनाव सर पे है, आप कह सकते हैं कभी भी जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू हो सकती है, और ऐसे में इनका नाम जो है सुर्खियों में था, आप कह सकती हैं कि पहले नंबर पर आ रहा था कि इनको टिकट मिल सकता है, तो ऐसे में ये भी अटकलें लग रही हैं और जो बातें निकल कर आ रही हैं कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र उनके तरफ से जो कहा जा रहा है वो बातें वो निकल कर आ रही हैं। लेकिन वो भी है कि केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र हैं, अपना वो काम करती हैं, वो काम कर रही हैं, तकरीबन एक दर्जन आप कह सकती हैं ठिकानों पर चल रही है। रांची स्थित उनका सरकारी आवास उधरवा में, और फिर हजारीबाग में जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर चल रही है। अंदर में क्या चल रहा है ये कोई नहीं कह सकता कि कौन से दस्तावेज उनको मिले हैं, किस में खंगाला जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, अवैध संपत्ति निकल रही है, आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर जांच चल रही है, क्या चल रहा है ये कुछ नहीं कह सकता। इतना जरूर है कि युवा विधायक थी, सुर्खियों में रही हैं, नाम भी था इनका, काम की वजह से भी था,
और विवादों की वजह से भी था। पास में ही एक जमीन पड़ा है, ये आपको भी पता है कि विवाद में रहा, हालांकि खंडन किया गया, बहुत सारी चीज़ें निकल कर नहीं आई, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर भी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ सीट अनाउंस होना भी था, भाजपा की सीट आ गई थी, कांग्रेस की आनी थी, अब देर हो रहा था। क्यों देर हो रहा था, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कांग्रेस के प्रभारी भी यहाँ पर आए हुए थे, तो एक तरीके से हजारीबाग केंद्र बिंदु भी बन गया था। और एक तस्वीर आई थी, याद होगा आपको, जो पूर्व वित्त मंत्री हैं हमारे देश के रहे हैं यशवंत सिन्हा जी, उनके साथ एक तस्वीर आई थी, तो वो तस्वीर बहुत मायने रख रही थी। और जो तस्वीर अगर राजनीति में आती है तो उसके बहुत मायने बन जाते हैं। आपको पता है कि यशवंत सिन्हा बड़े वोकल रहे हैं, कट्टर विरोधी भी रहे हैं भाजपा के, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं कई मौके पर वो बोलते दिखे हैं। और ऐसे में वो तस्वीर आनी जब अम्बा प्रसाद के साथ उनका दिखा, तो राजनीति में बड़ी कयासें लगने लगती हैं कि क्या क्या कुछ चलता है उसमें। अब ईडी की आप छापेमारी कुछ दिन के बाद ही आप देख रही हैं। अच्छा, कहते हैं कि पहले ऐसे कोई विधायक हैं जिनके घर पर इस तरह से छापेमारी और उनके एक साथ इतने सारे ठिकानों पर छापेमारी पड़ रही है? झारखंड में तो, हजारीबाग में तो नहीं सुना, झारखंड में भी नहीं सुना इस तरीके से। अभी कुछ दिन पहले जो राज्यसभा के सांसद थे धीरज साहू, उनके घर पर छापेमारी हुई थी, बड़ी भारी मात्रा, मतलब मशीनें खराब हो रही थी, वहाँ पर इंजीनियर बैठे थे कि मशीन वहीं का वहीं बनवा देंगे, क्योंकि इतनी सारी नोटें मिल रही थी। तो ये है कि हजारीबाग के लिए भी बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात उस लिहाज से कि कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन अभी आप कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि कुछ ना निकले। तो इसको आप दो तरीके से आप देखिए, आप राजनीतिक अगर पटकथा इसमें लिखना चाहती हैं तो इस तरीके से देखिए, अगर अम्बा प्रसाद के पास कुछ नहीं निकलता है, खाली हाथ ईडी जाती है, तो इसका वो इस्तेमाल कर सकती हैं कि हमारे ऊपर जानबूझकर इस तरीके से किया था, अगर निकलता है कुछ तो भाजपा जमकर इसका इस्तेमाल करेगी चुनाव में। अच्छा, माता जी जब उनकी यहाँ पे आई तो सुनने में आया बहुत भावनात्मक माहौल हो गया था, कह रही थी कि अम्बा यहाँ नहीं है, रांची में है, योगेंद्र साहू जो हैं वो दिल्ली में है बैठे हुए और मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जो कि एक नियम होता है ईडी का। और बहुत भावनात्मक उस वक्त माहौल हो गया था कि राजनीति गंदी हो गई, उनका आरोप लग रहा था और ये सारी चीज़ें जो है वो भाजपा करा रही हैं कि मेरी बेटी जो है वो राजनीति से दूर रहे, चुनाव ना लड़े, मैं भी यही समझा रही हूँ। क्या उस वक्त का माहौल था, क्या कहना आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था? ये नहीं उस वक्त, लेकिन हमने वो वीडियो देखा है और अभी थोड़ी देर पहले हमने शेयर भी किया उस वीडियो को। माँ की बात है तो ऑब्वियस है, जब बेटी के बारे में बात करेंगी तो इसी तरीके से बात आएंगी। माँ तो कुछ भी बोल सकती हैं कि भाई राजनीति से तुम दूर रहो, लेकिन राजनीति से दूर रहेंगी कि नहीं रहेंगी वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है। और परिवार की बात तो मतलब ये अब ये सिर्फ स्टंट को लेकर ये बातें आई या फिर सही में इस तरीके की बातें चल रही हैं, क्योंकि लंबा उनका कैरियर है उनके परिवार का राजनीति में। वो माँ भी खुद विधायक रही हैं, उनके पिता भी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अब वर्तमान में उनकी बेटी जो अम्बा प्रसाद जिनके बारे में वो बातें कर रही थी वो विधायक हैं, आहत थी, ऑब्वियस है कि बेटी पे कार्रवाई हो रही है तो परिवार को तकलीफ तो होगी ही होगी। और वो जो बातें हैं वो कह रही थी, यहाँ तक उन्होंने कहा कि अम्बा को हम कहते हैं कि आप रूखी सूखी रोटी खा लो लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से दूर रहो, यानी वो ये भी कह रही थी एक तरीके से कि वो नहीं चाहती कि वो लोकसभा चुनाव लड़े। अब क्या अंदर की बातें हैं, बहुत सारा कमेंट करना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन जो माँ कह रही थी, माँ की बातें स्पष्ट थी कि तकलीफ हो रही थी कि ईडी की जांच चल रही है। अभी देखिए अभी भी यहाँ पर गाड़ियाँ नजर आ रही हैं और हजारीबाग के अलग अलग ठिकानों पर बहुत सारे, ये कभी नहीं देखा गया कि इंटीरियर में ईडी का छापा पड़ता हो, कटकम दाग या पता नहीं केरेडारी वगैरह में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। और आपको पता है कि बड़कागांव बड़ा इनरिच जगह है, कोयला बहुत है, बालू बहुत है, अवैध खनन होता है, बालू निकलता है, तो बहुत सारी बातें हैं, तो लोग कनेक्ट करके भी देखते हैं उन चीज़ों को कि भाई किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और इनके परिवार का बड़ा लंबा सफ़र रहा है राजनीति का, तो जो चीज़ें संपत्ति की अगर बात करें तो कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो खंगाल रहे हैं। आपने देखा कि झारखंड में क्या कुछ हुआ जब हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री बनना पड़ा उनको मुख्यमंत्री से, वो भी ईडी की ही रडार थी और ईडी की लंबी दबिश के बाद झारखंड की पटकथा बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, मतलब ऐसा इस तरफ भी पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अभी आप कहने के हालात में नहीं है, अभी आप सिर्फ संवाद कर सकते हैं और संवाद में पुष्टि नहीं कर सकते, आप बातें रख सकते हैं, कयास भी पत्रकारों को नहीं लगाना चाहिए, जो लोग लगा रहे हैं वो आप बहुत वो जो कह रहे हैं वो पेश करिए, आप अपने मन से उद्घोषणा नहीं कर सकते कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बाकी तो चीज़ें आई, हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा चार्ज करके हम रख रहे हैं कि पता नहीं कब लोग निकलेंगे और उस वक्त ये तैयार होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया कुणाल जी। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी उस तरफ आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से एक छोटा गेट खुला है और उन लोगों का आवाजाही हुआ है। अभी ईडी की ही गाड़ियां जो हैं लगभग 7-8 सदस्य
इस घर में ईडी के जो टीम मेंबर्स हैं वो इनके हैं और पत्रकारों का समूह भी आप इस तरफ देखेंगे बार बार सड़क क्रॉस करके और जा करके चीज़ों को पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं ये लोग। अब जैसे ही कुछ कंफर्मेशन पता चलता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।